दिल्ली पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी रिकवरी, 1800 करोड़ से ज्यादा की कीमत की हीरोइन बरामद, दो अफगानी गिरफ्तार। मुंबई के नवाशेरा पोर्ट से दिल्ली पुलिस ने बरामद की हीरोइन, नार्को टेरर से जुड़े हैं इस मामले के तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब तक के पुलिस इतिहास की सबसे बड़ी ड्रग्स रिकवरी की है। पुलिस ने ये रिकवरी मुंबई के नवाशेरा पोर्ट से की है, जहां एक कंटेनर बरामद हुआ है जिसमें से 20 टन से ज्यादा अच्छी क्वालिटी की हीरोइन बरामद हुई है। बरामद हीरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1800 करोड़ से भी ज्यादा है। इतनी बड़ी मात्रा में हीरोइन मिलने से इस मामले के तहत नार्को टेरर से जुड़े हुए हैं। स्पेशल सेल ने इस मामले में दो अफगानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुछ दिन पहले भी दो अफगानी नागरिक गिरफ्तार किए थे और उनके कब्जे से 1300 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद हुई थी। ड्रग्स का ये पैसा पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी ISI के पास जाना था। पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर ड्रग्स से भरा कंटेनर बरामद किया है। पुलिस के अनुसार बरामद हीरोइन का घोल बनाकर मुलेठी पर कोटिंग की गई है। स्पेशल सेल के कमिश्नर HGS धालीवाल ने बताया कि इसी महीने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कालंदी कुंज इलाके से दो अफगानी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। उनकी निशानदेही पर दिल्ली, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ से 1300 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद हुई थी। पूछताछ के दौरान आरोपी व्यक्तियों से लगातार पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि मुंबई बंदरगाह पर हीरोइन के साथ भिगोए गए मुलेठी वाले 17 बैग एक कंटेनर में छिपाए हुए हैं, जिसमें लगभग 345 किलोग्राम कंट्राबैंड की मात्रा हो सकती है। इस पूरी खेप का वजन 20,000 किलोग्राम था। पुलिस की एक टीम मुंबई बंदरगाह भेजी गई और कंटेनर की तलाश की गई। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद कंटेनर को खोजे और उसकी जांच की तो उसमें 20,000 किलो मुलेठी की परत चढ़ी हीरोइन बरामद हुई, जिसमें हीरोइन का कुल वजन 345 किलो था। स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस लगातार बड़े केसेस में, खास तौर पे नार्को टेरर के केसेस में लगातार काम करता आया है और हमारी न्यू दिल्ली रेंज की टीम ने इस साल और लास्ट 3 साल भी बहुत बड़े बड़े सीजर्स किए हैं। इस साल खास तौर पे 2 हफ्ते पहले हमारी टीम ने इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सीजर्स ऑफ मेथ एम्फेटामिन किया था, जिसमें 312 किलो मेथ एम्फेटामिन पकड़ी थी, जो कि चेन्नई पोर्ट के थ्रू इंडिया में आई थी। उसमें दो लोगों को अरेस्ट किया था, जिनमें से दोनों के नाम थे मुस्तफ़ा स्टैनिकज़ाई, दूसरे का था रहीमुल्ला रहीमी। दोनों अफगान नेशनल्स हैं, काफ़ी लंबे अरसे से इंडिया में रह रहे थे, मल्टीपल टाइम इनकी वीज़ा एक्सटेंशंस थी, UNHCR से इनका स्टेटस भी था। इनको जब अरेस्ट किया गया, इनकी इंटरोगेशन करी गई तो इनके इंस्टांस पे पहले 312 किलो मेथैम्फेटामिन और हेरोइन की रिकवरी हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई के नवाशेरा पोर्ट से कंटेनर को अपने कब्जे में लिया और उसमें से 1800 किलो हीरोइन जब्त कर ली। हीरोइन पर मुलेठी का घोल बनाकर उसके ऊपर चढ़ाया गया। स्पेशल कमिश्नर HGS धालीवाल ने बताया कि छुपा हुआ प्रतिबंधित पदार्थ कंटेनरों में पड़ोसी देश के बंदरगाह पर ले जाया जाता है, जहां से ये भारत के विभिन्न बंदरगाहों पर उतरता है। इस बार खेप को पहले अफगानिस्तान से पाकिस्तान में ले जाया गया था, जहां से एजेंसियों द्वारा पता लगने से बचने के लिए इसे मध्य पूर्व के देश में भेज दिया गया था। वहां से वैध आयात माल के साथ मिश्रित प्रतिबंधित सामग्री वाली खेप को आगे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई भेज दिया गया। अंतिम उत्पाद हीरोइन प्राप्त करने के लिए ये खेप मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और अन्य राज्यों में स्थित अस्थायी कारखानों तथा उचित समय पर पहुंचना था। गाड़ियां जो वेयरहाउस से आया वो सारी चेन एस्टेब्लिश करी गई। उसके बाद भी हमारी टीम ने इस पे लगातार काम किया और इसी के चलते 16 तारीख को, 4 दिन पहले, मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के एरिया में, नावशेवा में, हमारी टीम ने बहुत बड़ा सीजर किया लिकोरिस, जो कि हेरोइन कोटेड थी। और अभी तक की जो एस्टिमेशन बाय वेट है, क्योंकि लिकोरिस का बहुत ज़्यादा वजन था, 20 टन थी, 20,000 किलो, तो तकरीबन जो अभी तक एस्टिमेशन है 1.5% बाय वेट, विच कम्स टू अराउंड 345 किलो, और जिसकी वैल्यू बनती है 1725 करोड़ इन इंटरनेशनल मार्केट, वो सीज करी गई है। जो पूरा कंटेनर था उसको ट्रांसपोर्ट करके हमारी टीम यहाँ लेके आई है। बकायदा इसको कस्टम्स अथॉरिटी ने दिल्ली एक्नॉलेज किया और अप्रिशिएट किया कि ये बहुत बड़ा सीजर है, जबकि 21 जून 2021 में ये क्वांटिटी जो थी ये उस GNPT पे आ गई थी। इसके बावजूद, क्योंकि किसी और एजेंसी को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी और हमारी टीम का बहुत एक्सटेंसिव ग्राउंड वर्क था, इसके कारण से ये इतना बड़ा सीजर जो है हो पाया है।
और ये एक पूरा जो नेक्सस है ये दर्शाता है कि किस तरीके से जो नार्को टेरर है ये कैसे हमारे देश को इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, एजेंसीज हैं जो कि इनिमिकल टू आर कंट्रीज इंटरेस्ट हैं, हॉस्टाइल हैं, कैसे वो ड्रग्स को लगातार अलग अलग जरिए। धालीवाल के अनुसार इस ड्रग्स का पैसा पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी ISI के पास जाना था, इसलिए पुलिस इसे नार्को टेरर का मामला मानते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई की है। SGS धालीवाल ने बताया कि जब्त की गई हीरोइन का कुल मूल्य लगभग 1800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। कंटेनर को दिल्ली लाया गया, ये बरामदगी ये साफ कर देती है कि नार्को टेरर हमारे देश को कैसे प्रभावित कर रहा है। दुनिया के ड्रग्स के धंधेबाज हमारे देश में ड्रग्स सप्लाई के लिए विभिन्न तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। मुंबई के नवाशेरा पोर्ट से जिस कंटेनर से करीब 1800 करोड़ की हीरोइन बरामद की गई है वे एक साल से ज्यादा समय वहां रखा था। ये बरामदगी हाल ही में पकड़े गए दो अफगानी नागरिकों की निशानदेही पर हुई है। पुलिस के मुताबिक इस सिंडिकेट से अब तक 3000 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए जा चुके हैं। ये मामला नार्को टेरर से जुड़ा है क्योंकि ड्रग्स का पैसा पाकिस्तान जा रहा था। अफगानिस्तान से ड्रग्स की खेप दुबई के जरिए बुक होकर मुंबई पहुंची थी। मुंबई में एक कंटेनर पिछले साल 21 जून से रखा था। दिल्ली पुलिस ने नशीले पदार्थ हीरोइन की इसके इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस अभी इस मॉड्यूल की जांच करके तह तक पहुंचना चाहती है और नार्को टेरर से जुड़े हर कड़ी को तोड़कर खत्म करना चाहती है। 20 टन से ज्यादा वजन, 345 किलो की हीरोइन और कीमत 1800 करोड़। इतनी बड़ी रिकवरी दिल्ली पुलिस के इतिहास की पहली रिकवरी है। भारी मात्रा में बरामद यह हीरोइन मुंबई पोर्ट में एक कंटेनर में छिपा कर रखी गई थी जिसका इस्तेमाल नार्को टेरर के रूप में किया जाना था। हालांकि अब पुलिस ने इतनी भारी मात्रा में बरामदगी करके नार्को टेरर के मंसूबे पालने वालों की कमर तोड़कर रख दी है। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।